युवा दौड़ेगा तो देश दौड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए क्षेत्र में एक बार फिर विशाल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर की दूरी पर गांव किशोरपुर के नजदीक एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई भूमि पर इस दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें दूर दराज से आए धावकों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में महिला धावकों ने भी भाग लिया, जिसमें ग्रेटर नोएडा की सलोनी नागर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो यहाँ प्रतियोगिता चल रही है, जो दौड़ प्रतियोगिता चल रही है, वहाँ लड़कियों ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया था। तो ग्रेटर नोएडा से सलोनी नागर मेरे साथ है, जो फर्स्ट आई हैं इस पूरी प्रतियोगिता में, उनसे बात करेंगे। मेरा नाम सलोनी नागर है और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने 2018 से गेम स्टार्ट किए थे और फिर मेरा नेशनल में भी मेडल है और फिर आज का गेम अच्छा था बहुत। आज मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। क्या कहेंगी, इस तरह के जो प्रोग्राम होते हैं उनसे क्या फ़ायदा मिलता है? क्या नौकरी मिलने में या आर्मी में सिलेक्शन होने में कोई फ़ायदा मिलता है? इस तरह से अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, कॉम्पिटिशन का लेवल पता चलता है, कितना कॉम्पिटिशन का लेवल है आगे जाके नेशनल में। अभी हमारा जूनियर नेशनल हुआ था, उसमें पूरे ऑल इंडिया में 300 मीटर में मेरी 7th प्लेस है और 100 मीटर में मैं सेमीफाइनल तक गई थी। तो उसमें पता चलता है कि पूरे ऑल इंडिया के स्टेट के बच्चे आते हैं, तो कंपटीशन का लेवल बढ़ता है और जो बच्चे नहीं जा पाते वो हमें देख के भी प्रोग्रेस होते हैं, उन्हें भी प्राउड फील होता है कि हम भी इनकी तरह बने। तो आप ग्रेटर नोएडा से ही हैं या कहाँ से बिलोंग करती हैं? वैसे हम ग्रेटर नोएडा से, हमारा गाँव मकोड़ा पर एथलेटिक फ्यूचर में प्रैक्टिस करते हैं, भाई सोनों में प्रैक्टिस कराते रोज। गाँव किशोरपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र सिंह छौकर उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ा प्लेटफार्म है कि जो हमारे ग्रामीण में गरीब जो लोग हैं, जो आगे नहीं जा पाते हैं, उनको इन्होंने जो अवसर पैदा कराया है कि हमारे ग्रेड के जो एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें एक तरह का बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, जो यहाँ से उनको मौका मिला है दौड़ के वो आगे जा सके। तो मैं योगेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वो समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम कराते रहते हैं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूँ आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। तो आज जो प्रतियोगिता ये किशोरपुर गांव के पास आयोजित कराई जा रही है, इसके मुख्य अतिथि योगेंद्र सिंह छौकर रहे, जो हमारे साथ हैं इस वक्त। समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कराते रहते हैं। इसके अलावा जो संयोजक हैं, जिनकी देखरेख में ये पूरा काम हो रहा है, अनिल बघेल हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले मैं जो कार्यक्रम मुख्य अतिथि हैं उनसे जानूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आज जो हमारे पुलवामा में शहीद हुए, मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने ऐसे क्षेत्र में जन्म लिया है जहां पर मेरे ये युवा मेरे को इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरे को साल में कम से कम 10 से 12 बार टाइम मिलता है ऐसा अपने युवाओं के साथ बीच में जाने का, सबको एकत्रित करना। और हमारे मोदी जी ने बोला है, जब भारत दौड़ेगा तो युवा दौड़ेगा, और जब युवा दौड़ेगा तो हमारा जेवर क्षेत्र दौड़ेगा, हमारा जेवर क्षेत्र दौड़ेगा तो फिर पूरे देश में दौड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मौका मिलेगा इनको। और मैं भी इनसे वादा करता हूँ कि अगर मेरे को कोई मौका मिला तो मैं भी जो मेरे मन की जो आस्था है वो मैं क्या कर सकता हूँ वो तो टाइम बताएगा, मैं इनके साथ हूँ हमेशा। तेरा जेवर प्रेस से आने के लिए यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मेरे इस प्रोग्राम में लगभग हमारे विधानसभा से 65 गांव आते हैं, सभी गांव से सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। ये जो प्रोग्राम किया गया है, ये प्रोग्राम युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए किया गया है। ये प्रोग्राम आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे, आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहा तो इस गाँव किशोरपुर में। आज की सभा के अध्यक्ष और आपका स्वागत पहुंचे, जो बालिका दौड़ने वाली है वो जल्दी से ट्रैक में पहुंचे। इसके अलावा आयोजक टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी आगंतुकों एवं विशिष्ट अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया, जिसके बाद मुख्य अतिथि ने आभार स्वरूप बड़े बुजुर्गों एवं अतिथियों का सम्मान एवं आभार प्रकट किया।
बहुत सुंदर कार्यक्रम। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही संदेश रहा है कि खेलेगा इंडिया तो दौड़ेगा इंडिया, उसी के तहत आज हमारे नौजवानों ने आज आयोजन किया है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे श्री योगेंद्र छोकर जी हैं और हम सब वरिष्ठों को हम सबको मौका मिला है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि हमने देखा है हमारी बहुत ही गुड़िया छोटी छोटी 15 साल 9 साल की अपना प्रतिमाएं दिखा रही हैं अपना, और बहुत ही अच्छे से यहाँ आयोजक श्री जो हमारे अशोक अमित अनिल बघेल जी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही प्रोग्राम आगे हमारे क्षेत्र में होते रहें, इसके लिए सभी को बधाई बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत ही कर्मठ सहनशील योगेंद्र छोकर जी के संयोजन में जो कार्यक्रम चल रहा है बच्चों के उत्साह के लिए, उनका उत्साह वर्धन कराने के लिए बार बार जगह जगह इस तरह के प्रोग्राम ये कराते रहते हैं। हम सर्वप्रथम उनको सह धन्यवाद तह दिल से देते हैं और आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष मास्टर करण सिंह जी को भी हम जो उन्होंने अपना समय निकाल कर यहाँ जो हमें समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अशोक शर्मा जी मंडल अध्यक्ष जेवर जो अपना कार्य इस समय खेती का पानी लगाने का कार्य उसे छोड़कर यहाँ आए हैं, इनके लिए अति धन्यवाद क्योंकि ये क्षेत्र हमारा लगा हुआ पड़ता है रघुपुरा मंडल का उन्हें, और ये इनके यहाँ जो अमरूद लगे हुए हैं पके पके उन्हें तो अपने प्रभारी को खिला देते हैं और हमें खिला रहे हैं केला अति सुंदर, फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। और इन बच्चों के लिए सेहत धन्यवाद जो इतनी दूर से आए हैं और आगे भी ये प्रगति करें ऐसा हमारा आशीर्वाद इनके साथ है, धन्यवाद। दौड़ प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम ने व्यवस्था की बागडोर संभाली। पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम में सुरक्षा एवं नियंत्रण व्यवस्था संभालते हुए दौड़ संपन्न कराई। जो दौड़ प्रतियोगिता यहां आयोजित की गई इसमें पूरी व्यवस्था जिन्होंने देखी, बीडी जोशी रिटायर्ड सूबेदार हैं और सर ने ही पूरी व्यवस्था यहां देखी है। मैं जानना चाहूंगा सर क्या संस्था है आपकी, किस लिए आप लोग यहां पे काम करते हैं, थोड़ा बताइए अपने संस्था के बारे में और अपने बारे में। मैं सूबेदार भैरव दास जोशी रिटायर्ड उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम के लिए काम कर रहा हूं और जेवर एयरपोर्ट जो बनने वाला है इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी मेरी है। हमारा क्षेत्रीय कार्यालय सेक्टर 37 नोएडा में है और जो मुख्यालय है हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है। हमारे जो एमडी हैं नीलेंद्र कुमार साहब उनका हमें मार्गदर्शन मिला है बार बार और एजीएम कमांडर आर के करौली ने हमें अनुमति दी इस कार्यक्रम को करवाने की। ये दौड़ का जो कार्यक्रम कराया गया है ये सब? जी हाँ उनके द्वारा हमें अनुमति दी गई, उसके बाद ही हमने इस कार्यक्रम में इस आयोजन में करवाया। इससे पहले भी एक कार्यक्रम हमने करवाया था दयानतपुर में, मैं यहाँ के बच्चों से या जो युवा है यूथ है उनको भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। नंगला जानू में करीब 100 बच्चे हैं जिनको मैं फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ रोजाना, इसके अलावा दयानतपुर में भी 100 बच्चे हैं जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो आप आर्मी में ज्वाइन कराने के लिए बच्चों को ट्रेन करते हैं, आप फीस वगैरह लेते हैं कुछ? निःशुल्क, किसी भी बच्चे से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क देश की सेवा के लिए। तो काफी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं सूबेदार जी, हमारा सैल्यूट है ऐसे देश के जवानों को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्षेत्र के युवाओं को ट्रेनिंग के लिए आर्मी के लिए तैयार कर रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है। नितेश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा जेवर प्रेस के लिए। कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को आयोजकों द्वारा पुरस्कृत किया गया जिसके बाद कार्यक्रम का सुखद समापन किया गया। नितेश छोकर के साथ चंचल कुमार शर्मा जेवर प्रेस के लिए।